सितारों की बात करते हैं। सितारों से पूछ रहे थे कि आगे होने क्या वाला है, कितनी कंफ्यूजन सिचुएशन जो है वो बन गई है। उनसा शाह हमारे साथ मौजूद हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं, बहुत फेमस हैं, उनको वेलकम करेंगे अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम उनसा, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग। बिजली आ गई है उनसा आपके पास? नहीं, बिजली नहीं है, मैं तो नींद से उठी हूँ और बिजली गायब है। और जब मैंने हस्बैंड को कॉल की, क्वेटा में होते हैं वो, तो कह रहे हैं कि वहाँ पे भी बिजली नहीं है और फोन के सिग्नल्स भी नहीं है। ओहो, तो फिर आप ऑनलाइन कैसे हैं? ये तो बहुत जबरदस्त बात है, सितारे मिल गए हैं। नहीं, यूपीएस और वाईफाई का कमाल है, यूपीएस और वाईफाई का कमाल है। बिजली कब आएगी, पहले तो ये कार्ड निकाल लें आप। बिजली कब आएगी? देखिए, ये बड़ा जबरदस्त पॉजिटिव कार्ड है, पेज ऑफ पेंटिकल्स का, लेकिन पेंटिकल्स स्लो होती है, तो होती है, तो प्रोसेस चल रहा है इनका, मेरे ख्याल से कहीं पे काम वाम हो रहा है, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा, हो सकता है पूरा दिन भी लग सकता है। पूरा दिन भी लग सकता है। अच्छा, उनसे ये बताइएगा, सूरत हाल क्या चल रही है मुल्क की? निगरान वजीर आला पंजाब जो है मोहसिन रजा नकवी हो तो गए हैं, लेकिन उसके बाद भी काफी मुखालफत का सामना करना पड़ा है। पीटीआई जो है वो आगे अभी इस्तीफे वापस लेने की भी बात कर रही है, तो होने क्या वाला है, क्या लग रहा है आपको? देखिए, पीटीआई की जो मैंने एनर्जी आज की चेक की है, और मैं आपको कार्ड्स भी शो कर देती हूँ, किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो पीटीआई की, देखिए पीटीआई को कोई खतरा नहीं है, ठीक है, जो उनके अरकान है या पीटीआई की पूरी टीम है, अभी भी मकबूलियत नजर आ रही है, किंग का हमेशा कार्ड आता है तो वो छाए रहेंगे, फेवरेटिज्म नजर आ रहा है, और लेकिन यहाँ पे टू ऑफ बॉन्ड्स और एस ऑफ सोर्ड्स तक एनर्जी नजर आ रही है, तो थोड़ा सा वो देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आगे क्या करना चाहिए मामलात को, थोड़ा सा मुझे लगता है कि जो रीडिंग आ रही है उनको थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। वैसे भी पीटीआई के थोड़ी जज्बाती जो है वो टीम है, और उनको थोड़ा सा ना पेशेंस के साथ थोड़ा ऑब्जर्व करके, और उसके बाद थोड़े आगे मुझे पीटीआई के लिए मुश्किलात खड़ी हुई होती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर तलवार का कार्ड है, तो कोई लड़ाई झगड़े, कोई कॉन्फ्लिक्ट्स या इख्तलाफात जो है वो हो सकते हैं दूसरी पार्टीज के साथ हो सकती है, या आपस में इख्तलाफात हो सकते हैं, तो आगे जाके अगले 3 माह के बाद, 3 मंथ्स के बाद कोई सिचुएशन चेंज होती हुई नजर आ रही है। सही, तो अब उनसे सितारों की जानिब बढ़ते हैं। आपने बता दें कि अगले 3 महीने बाद सिचुएशन चेंज होती नजर आए, लेकिन ये हफ्ता स्टार्ट हो गया है, मंडे है, सितारों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा अगर हम स्टार्ट करें ज़ोडियक साइन से, एरीज से? ठीक है, एरीज से मैं शुरू कर रही हूँ, लेकिन मैं तमाम स्टार्स के लिए थोड़ा सा सदके के बारे में बात करूंगी। आज मंडे है, पीर का दिन है, मून प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है, कि जो लोग सदका देना चाहते हैं तो आज सफेद रंग की चीजों का सदका जरूर दीजिए, चावल हो गया, आटा, दूध, सफेद रंग का कपड़ा है, किसी भी कोई भी क्वांटिटी होनी चाहिए, लेकिन सफेद रंग की चीज का सदका जरूर दीजिए। एरीज यानी कि बुरझुमल के लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा, खुशियों का सेलिब्रेशन नजर आ रही है, शादी वगैरह इस तरह की सिचुएशन हो सकती है, कहीं सफर पर जा सकते हैं, दोस्तों के साथ एक अच्छा टाइम पीरियड स्पेंड करते हुए एरीज वाले नजर आ रहे हैं। एरीज के बाद टॉरस है, कोई अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन, अचानक मेहमान आ सकते हैं, अचानक कोई प्लान बन सकता है सफर का, अचानक जो है कोई सिचुएशन फेस करते हुए नजर आ रहे हैं, तो थोड़ा सा केयरफुल भी होना चाहिए। टॉरस के बाद है जेमिनी, जेमिनी वालों के लिए मून की एनर्जी है, तो जेमिनी वाले आज के दिन ना थोड़ा कंफ्यूज नजर आ रहे हैं, कंफ्यूजन, अनक्लियर सिचुएशन, अनसर्टेनिटी नजर आ रही है, और थोड़ा सा लोग जो है उनके खिलाफ बातें भी करते हुए नजर आ रहे हैं। जेमिनी के बाद है कैंसर, कैंसर के लिए आज का दिन रोमांटिक रहेगा, आज के दिन कोई अपने दिल का हाल एक्सप्रेस कर सकता है, फीलिंग आपकी लाइफ में कोई आ सकता है, शादी की सिचुएशन जो है वो कैंसर वालों के लिए बन सकती है। कैंसर के बाद है लियो, लियो वालों के लिए आज का एनर्जी जस्टिस की है, आज कोई उनको इंसाफ मिलेगा, यानी कि अपनी चीजों को थोड़ा बैलेंस करें, जो चीजें इम्बैलेंस हैं, और उसके साथ अगर कोर्ट वगैरह में उनके केसेस चल रहे हैं तो लियो वालों को जो है वो फेवर मिलता हुआ नजर आ रहा है। वर्गो के लिए एनर्जी बहुत अच्छी है, आज उनका थोड़ा मजहब की तरफ जो है वो रुझान ज्यादा नजर आ रहा है, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करें, देखें कि आपकी इंट्यूशन जो है वो आपको क्या जो है गाइड कर रही है। वर्गों के बाद है लिब्रा, लिब्रा वालों के लिए कुछ नई बिगनिंग आज की नजर आ रही, कुछ नई चेंज, कोई नया काम शुरू कर सकते हैं, किसी नए रिलेशनशिप में आ सकते हैं, सफर के भी चांसेस नजर आ रहे हैं।
लिब्रा के लिए जो है वो थोड़ा सा काम में डिलेज आ सकते हैं और हो सकता है ऑफिस देर से पहुंचे या उनका वक्त की कमी है, जरा जल्दी बता दें आगे, फिर हमारे पास टाइम कम है। स्कॉर्पियो के लिए भी कुछ नया आते हुए नजर आ रहा है, पास्ट में कुछ अगर आपने लॉसेस नुकसानात हुए हैं तो आज के दिन जो है वो आपके लिए अच्छा रहेगा, रिकवरी हो जाएगी, पैसे वापस मिल जाएंगे, कोई ऐसा रिलेशनशिप जिसमें बहुत ज्यादा आप फंसे हुए हैं तो उससे आपको निजात मिल जाएगी। सेजिटेरियस के लिए आज का दिन बहुत बिजी रहेगा, बहुत सारे काम करते हुए नजर आ रहे हैं, कोई क्रिएटिव काम करने का भी आप सोचेंगे। कैप्रिकॉन किसी को मिस करते हुए नजर आ रहे हैं, कोई पुराना दोस्त है जो आपके बार बार जहन में आता है, उसकी याद, या कोई बाहर कहीं बहुत दूर आपसे रहता है तो उसको भी आप मिस करते हुए नजर आ रहे हैं। सही, थैंक यू सो मच उनसा, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त की कमी के बाद बाकी दो सितारे रह गए हैं, हम आपसे बाद में पूछ। थैंक यू सो मच, आपने हमें अपडेट किया सितारों की सूरत हाल से। 2022 मॉनसून को भी देख लिया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर वन। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशन की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड, सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।